अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात काही ठोस दिलेलं नाहीये, केवळ गेल्या वेळच्याच घोषणा नवीन रूपात मांडण्यात आल्या, तशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश प्रवक्ते महेश तपास यांनी दिली आहे. केंद्रीय बजेट इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने की, और पिछले बजट को आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारी घोषणाएं थी, लेकिन एक्चुअली में लोगों के हाथ में क्या मिला, लोगों की जेब में क्या गया, इसको अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति में सुधार सामान्य आदमी के परिवार में या सामान्य लोगों के पास किसी भी आर्थिक स्थिति में उसकी सुधार हुआ नहीं है. बहुत सारी घोषणाएं की गई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की घोषणा की, हम स्वागत करते हैं अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है, लेकिन किस मापदंड से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी इसके बारे में कोई स्पष्टता इस बजट में नहीं दी गई. आप 10% जीडीपी की बात करते हैं, आज वास्तविकता यह है कि 4.5% की जीडीपी हमारी है, और इस रफ्तार से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी किस प्रकार से हम हासिल करेंगे इसके ऊपर कोई बयान नहीं है. अर्थ संकल्प के अंदर या बजट के अंदर 3 घटक बड़े महत्वपूर्ण है, उसमें इन्वेस्टर, उसके अंदर इंडस्ट्री और तीसरा है कंज्यूमर. इन तीनों की हालत खराब है. इन्वेस्टर का इस सरकार पे विश्वास नहीं है. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 550-650 से गिर चुका है. इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं है, और कंज्यूमर के जेब में अगर पैसे होते तो वो जाके खरीदारी करता. आप देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर ये पूरी तरह से स्लो हो चुका है, इसका मतलब कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है. और ये सारी चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है, किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है.